Sean, what are you doing? इसमें जूम का ऑप्शन है। जूम नहीं है। Hi Sean, how are you? You're looking handsome. Yeah, I'm taking some picture. You want to take? I'll give you some time to take pictures, okay? मेरे ऑफिस जाने वाला रूट पे आ गए हैं। I go my office with this direction only, Delhi. सीधे आ गए हैं। उसी के आगे से ही तो लेफ्ट के सिग्नल से ही आवाज चुन सा। मैं गई हूँ ना वो पार्क। I drive. और अभी हम लोग जो जा रहे हैं ना उसमें जो ड्राइविंग है, you have to drive very very slow, क्योंकि उसका सामने चलो, सामने से, साइड से कोई नहीं दिखता है। अरे सामने चलो ना, ये सामने वाला, इसको एकदम बेस बनाओ। आप फोटोग्राफी सीख गए हो? पहले कैसे खींचते थे? देख देख के सीख रहे हैं। देख देख के सीखे हो या किसी का ही? Look at this horse. Where?
Here, horse ride. People are riding horse here. चलो आगे रुकते हैं। यहाँ पर भी लोग दे आर डूइंग सम राइड। वो जो अच्छा पार्किंग था ना, ऐसे यहाँ पीपल आर डूइंग फिशिंग। ओ वाव, यहाँ रुक सकते हो थोड़ा सा देखने के लिए। चलो आगे चलो। यहाँ जो तालाब है ना, तालाब से सुंदर दिखता भी है। Yes, Sean. Yes, we'll go home. We have to do some fishing. Yeah, we have big ponds here. We're gonna do fishing. Daddy says we're gonna go for fishing now. Oh, we do not have food. You can give some food to fish. Yeah. मुझे लगता है ना ये लोगों का मेन जो पार्क है ये वाला पार्क है। बट इस पार्क में करेंगे क्या हम लोग? खास या वी बात फॉर यू। और हम लोग पहुंच रहे हैं वाचिंग रिजॉर्ट। वाचिंग रिजॉर्ट से वाचिंग एक जगह का नाम है, रिजर्वेशन है, पार्क टाइप का। कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। अभी हम लोग आगे जाके आप लोगों को दिखाएंगे। लगे बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए अच्छे अच्छे वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। इसको चिलीज पॉन्ड बोलते हैं, चिलीज पॉन्ड। ये एक तरह का पिकनिक एरिया है, जो लोग जब मौसम वगैरह ठीक रहता है, जनरली समर सीजन में लोग यहाँ आते हैं पिकनिक मनाने के लिए। ये डस्टबिन वगैरह आप लोग देख रहे होंगे, इधर अभी बैठने वगैरह का बहुत सारा जगह लोग बना के रखा हुआ है। शान बहुत एक्साइटेड है। बाप रे, तो बहुत बड़ा गड्ढा है ये। थाला हिंदी, इन हिंदी इट्स कॉल्ड थाला। अफ्रीका में आप लोग को हर जगह साफ सफाई दिखेगा, कुछ जगहों को छोड़ के देखिए। कितने यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं कि पानी का बोतल, इधर बियर का बोतल, हाइनिकन वगैरह। ये देखिए लोग कितना फेंक के रखे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे लोग सब बदमाशी नहीं करते, बदमाशी करने का कोई एजुकेशन लेवल नहीं होता है, बस लोग बदमाशी करते हैं। यहाँ देखने के लिए एक शेड लोग बना दिया है, लकड़ी का छोटा सा शेड। यह हर चीज़ जनरली कॉमनली लकड़ी वगैरह सबसे बनाया हुआ है, क्योंकि हर जगह 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 जंगल है। तो जंगल में होता क्या है ना कि लकड़ी सब सस्ता है, काट के तुरंत कुछ बना दो और लगा दो। बैठने का भी जो बना हुआ है ये भी लकड़ी, ये लकड़ी है। केवल साइड में जो बेस है वो ईंटा का लगा हुआ है, जो पत्थर होता है। नज़ारा देखिए, नज़ारा देखते बनता है। कभी फॉल का सीज़न चल रहा है, पेड़ से पत्ता सब झड़ने वाला है, और उसके पहले हरा से लाल, पीला, कहीं कहीं नीला भी दिखता है, पिंक कलर का पत्ता सब हो जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत है। आप लोग देखते रहिए वीडियो और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए कुछ अच्छा नहीं लगता है तो, और शेयर तो जरूर कीजिए। साइड में भी देखने के लिए लोग बनाया हुआ है कि यहाँ की गवर्नमेंट कोई कमी नहीं छोड़ती है लोगों को मजा मस्ती करने के लिए, लोकेशन को सौंदर्यकरण करने के लिए कोई कमी नहीं, लेकिन उसका ख्याल भी रखना रहता है पब्लिक लोगों को, जो लोग ख्याल रखते नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कैसे वो लोग कचरा मचरा फेंक दिया है। इंडिया में तो सब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अच्छा करेंगे तो हमारा देश और खूबसूरत होगा। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ऊंचा ऊंचा पेड़ तक। इंडिया में भी ऐसा दिखता है, लेकिन वो पतझड़ के टाइम में थोड़ा रहता है, लेकिन इतना कलरफुल नहीं होता है कोई भी
पेड़ उड़ सब ठीक है, थोड़ा पीला हो गया, ब्राउन टाइप का हो गया, नीचे झड़ गया, लेकिन यहाँ तो रंग का मतलब जितना भी 10-12 टाइप का रंग दिख जाएगा तो हरा होने के बाद। बचपन में हम भी गांव देहात में रहे हैं, मेरी वाइफ भी गांव देहात में रही है, तो हम लोग का बच्चा लोग भी जंगल वगैरह बहुत पसंद है। लोग कौन आता है तो पूरा जंगल में आएगा, बोलेगा कि आई वॉन्ट बेयर हंट। बेयर हंट का स्टोरी यहाँ बहुत फेमस है, तो इसलिए बेयर हंट सीखा है। ये देखो ना खूबसूरत है, देखिए कैसे चूल्हा बनाता है, जो बड़े बड़ा फैमिली लोग आता है, बहुत सारा मेंबर लोग ऐसे चूल्हा में लकड़ी वगैरह से लोग बनाता है। ये देखिए ये चूल्हा है, और इधर देखिए नीचे बहुत अंदर है, इधर क्या जाएं, बचवा भी है साथ में, उसको स्ट्रॉलर में लेके घुमा रहे हैं, सो रहा है। ये देखिए वहाँ एक चूल्हा है, सरिता को वीक डेज में टाइम मिलता नहीं है, इसलिए वीकेंड में ही ज़्यादातर हम लोग एंजॉय करते हैं। कितना खूबसूरत जगह सर, ये बहुत बड़ा इलाका है, ये तो हम छोटा सा जगह में बचवा के चलते हम टहल नहीं पा रहे हैं, यार लुढ़क नहीं रहा है इसका स्टॉलर, ये तो हम और दूर दूर। बारिश बहुत तेज़ हो गई है, लेकिन फिर भी ये सब डस्टबिन है यहाँ होटल वगैरह सबको डालने के लिए। ये देखिए ये है बोटल्स कैंस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी उधर लग जाएगा। और ये सामने में देखिए ये पानी पीने के लिए, ये पानी पीने के लिए, चलो पानी पीते हैं। ये आप लोग देख रहे हैं ये है बारबेक्यू वाला, नीचे लकड़ी लोग जलाता है और उसमें लोग बारबेक्यू करके लोग बनाता है, और इसमें लोग पका के यहीं पिकनिक एरिया में लोग खाता है। तो आप लोग देखिए कैसे रईसी में यहाँ का कॉमन लोग है, बहुत मज़ेदार। चलिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल शान, व्हाट यू डूइंग करके दिख रहा है, टॉयलेट बाथरूम के लिए है, और यहाँ पे होर्डिंग है, स्विच बोर्ड है, हर पार्क में जाएंगे अफ्रीका में तो ऐसे ही स्विच बोर्ड मिलता है, ताकि इंफॉर्मेशन वगैरह लोग यहाँ से बटरफ्लाई इंसेक्ट्स ट्रीज फीस क्या क्या यहाँ पे है अवेलेबल हो उसको देख सकें। यहाँ पे मैगजीन वगैरह सब भी लोग रखता है, ये देखिए ये देखिए ये ऐसा रहता है। थैंक यू डस्टबिन, ये डस्टबिन है, यहाँ एनुअल डियर कुछ प्रोग्राम होता है। ये छोटा सा पार्किंग है, पार्किंग एरिया बहुत छोटा सा ही पार्किंग एरिया, बहुत बड़ा नहीं है। ये देखिए और भी इंडियन लोग आए हुए हैं यहाँ पे, थैंक यू सब्सक्राइब आवर चैनल।